Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमने पढ़ा था स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और स्पॉट ट्रेडिंग दिखाई थी करके उस पर बाइनेंस पे किस तरह होगी अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह की जाती है सो so, फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनेंस फ्यूचर इज द वर्ल्ड लीडिंग क्रिप्टो डेरेवेटि एक्सचेंज ऑफरिंग ट्रेडर्स टू अ कन्वीनियंट वे टू स्पेकुलेट ऑन द प्राइज एक्शन ऑफ डिजिटल एसेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कैपिटल बिकॉज ट्रेडर गेट एन एक्सीट रिटर्न प्रोफाइल विदाउटिंग अग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इसमें देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में जो होता है मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बताऊँ इफ़ यू मेरे पास जैसे फिफ्टी डॉलर्स हैं खाली अब मैं चाहता हूँ मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा प्रोफिट कमाऊँ तो आपको एक फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइनेंस और डीगर जो एक्सचेंज होते हैं वो आपको ये फ़ायदा देते हैं कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें बिल फर्श अगर मैं समझें फिफ्टी डॉलर्स का एक कॉइन है कोई सा भी कॉइन समझ लें फिफ्टी डॉलर्स की उसकी कीमत है वो एक कॉइन फिफ्टी डॉलर्स का है अब मैं अगर मैं वो एक स्पॉट पे लेता तो वो फिफ्टी डॉलर्स का ही रहता और अगर वो फिफ्टी टू पर चले जाता तो मुझे प्रॉफिट होता टू डॉलर्स का तो फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि हम जो है डिजिटल एसिड जो है ना वो एक तरीके से उधार लेते हैं अमाउंट लेवरेज टाइप में कि बिल्फर्ड जो बाइनेंस है हमारे पास बाइनेंस क्या कहते हैं आप वो हर स्पेसिफिक कॉइन पे हमें कहता है कि आप जो है मुझसे लेवरेज ले लें मीन्स के पचास डॉलर का जो एक कॉइन है अगर आप टेन एक्स फाइव एक्सर फाइव एक्स लेते हैं आप तो वो जो फिफ्टी डॉलर का एक कोइन है ना वो पांच कॉइन और आपके स्टेट में शामिल कर देगा मींस कि आप जो है फिफ्टी मल्टीप्लाई वे फाइव मतलब टू फिफ्टी डॉलर की आप वो ट्रेड लगाएंगे तो अगर वो एक कॉइन जैसे फिफ्टी का था वो फिफ्टी टू का हो जाएगा फिफ्टी टू अगर वो अगर वो उसकी कीमत फिफ्टी टू पर पहुँचती है प्राइस तो कितने डॉलर का आपको हो रहा था फायदा दो को तो आप टू को मल्टीप्लाई कर लें फाइव से तो आपको टोटली जो फ़ायदा होगा वो होगा आपको टेन डॉलर्स का फ्यूचर ट्रेड में अगर आप यही चीज़ स्पॉट में करते हो तो आपको सिर्फ टू डॉलर्स का होता आपका मतलब जो अमाउंट है ना सिर्फ जो आपका अमाउंट लग रहा है कैपिटल वो लगा आपका फिफ्टी डॉलर्स ही रहा है बट आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो उसका फाइव एक्स मीन्स कि फिफ्टी डॉलर्स पे आप टू फिफ्टी डॉलर्स की ट्रेड लगा रहे हो और जिस पे फिफ्टी डॉलर्स पर टू डॉलर्स का प्रॉफिट प्रोफिता तो आप उसको मल्टीप्लाई बाई फाइव कर दो तो आप कमा रहे हो टेन डॉलर्स एक ट्रेड तो फ्यूचर ट्रेड में ये होता है कि आपको कोई लेवरेज देते हैं इसके एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं और ये बहुत डिटेल है फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह होती है तो अभी आगे, आगे हम पढ़ेंगे आगे देखते हैं तो जो फ्यूचर ट्रेड है इसमें हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्जिन क्रॉस मार्जिन एंड आइसोलेटेड मार्जिन मतलब आपका जो एसेट है जितना भी है बिल फर्ज मैं आपको बताऊं जैसे पहले हम देखते हैं क्रॉस क्या होती है मैं आपको बताऊंगा isolated isolated margin trading position are used to calculate the cost and profit loss of a position in historical transactions the isolated margin prof position is not dependent on the amount of funds is your account or dekhen iska matlab kya hai isolated margin jo hota hai मैंने account में अपने हंड्रेड dollars जो हैं deposit कराए है। मैंने बाइनेंस में अपने dollars डॉलर उसके बाद डिफरेंट वॉलेट्स आ रहे होते हैं तो जो फ्यूचर का वॉलेट होता है स्पॉट वॉलेट अलग होता है फ्यूचर अलग होता है मैंने हंड्रेड डॉलर फ्यूचर अपने वॉलेट में दलवा लिए हैं हंड्रेड डॉलर्स तो अब मैं अगर कोई ट्रेड लगाता हूँ तो उस वक्त अभी मैं बाइलेंस पे जाएंगे दिखाऊंगा आपको आइसोलेटेड क्रॉस लिखा हुआ है उसकी एग्जाम्पल भी है तो उसमें ये होता है कि मैं ट्रेड लगाऊँ तो मैं आइसोलेटेड ट्रेड लगाऊँ या मार्जिन ट्रेड लगाऊँ आइसोलेटेड में ये होगा कि मैं अगर उस ट्रेड पर टेन डॉलर्स लगा रहा हूँ तो अगर मुझे लॉस होता है तो मैं वो पूरा मेरे टेन डॉलर्स के लॉस होगा मुझे मीन्स कि मेरे चालीस डॉलर बच जाएंगे अगर मैं आइसोलेटेड ट्रेड लगाता हूँ इसमें बेसिकली यही मतलब है आइसोलेटेड में क्या होगा आपने एक फ़िक्स कर लिया है कि मैं सिर्फ पचास में से टेन डॉलर्स लगाऊंगा और अगर मैं लिक्विडेट होता हूँ तो मुझे सिर्फ टेन डॉलर्स का नुकसान होगा तो और क्रॉस मार्जिन अच्छा इसमें जो है हमारी लिक्विडेशन मींस कि जहाँ जैसे मेरे टेन डॉलर जिस प्राइस पे जब ख़त्म होंगे वो बहुत करीब होती है तो आइसोलेटेड ये होती है क्रॉस क्या होती है ई यूजर कैन ओनली ओपन वन क्रॉस मार्जिन अकाउंट एक ही क्रॉस मार्जिन खोलेंगे अकाउंट एंड ऑल द ट्रेडिंग पेयर्स आर अवेलेबल इन दिस अकाउंट एसेट इन अ क्रॉस मार्जिन अकाउंट आर शेयर्ड बाय ऑल पोजिशन द मार्जिन लेवल इज कैलकुलेटेड अकोर्डिंग टू द टोटल एसेट वैल्यू एंड डेप्थ इन द क्रॉस मार्जिन देखें इसमें ये क्या होता है ख़ुद बता रहे हैं कि क्रॉस में आपका जो मार्जिन लेवल है वो कैलकुलेट होता है आपके टोटल एसेट वैल्यू पे मीन्स कि अगर मेरे पास सौ डॉलर है क्रॉस मार्जिन में ये होगा कि अगर मुझे इसमें फ़ायदा ये है कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है मीन जो अब जैसे मैं पचास डॉलर लगाया तो इसमें पूरे पचास डॉलर आपके लग जाएंगे और आपका जो है ना लिक्विडेशन प्राइस अगर ऐसे आइसोलेटेड पे पाँच डॉलर पे आप आपके दस डॉलर जा रहे थे तो इस वक्त आपके पचास डॉलर चले जाएंगे दो डॉलर पे मतलब बहुत पीछे हो जाएगी आपकी लिक्विडेशन आपको डर नहीं है मगर अगर आप लिक्विडेट हुए तो आपके पूरे पचास डॉलर ख़त्म हो जाएंगे सौ डॉलर हुए सौ डॉलर ख़त्म हो जाएंगे तो ये होता है क्रॉस मार्जिन, मार्जिन में क्रॉस मार्जिन में सिर्फ एक फ़ायदा ये होता है लोग इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर हो जाती है कि मीनस आपको डर नहीं होता कि अगर मार्केट फाइव टेन फिफ्टीन परसेंट गिर भी जाती है जैसे बिटकॉइन चौदह हज़ार से तेरह हज़ार पर भी आ जाता है तो आपको मसला नहीं होगा कि आप जो है लिक्विडेट नहीं होंगे बट अगर आप आइसोलेटेड लगाते हैं तो उसमें आपको एक फ़िक्स एक होती है कि पंद्रह हज़ार से अगर चौदह हज़ार छः सौ पर आती है मार्केट तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे तो क्रॉस मार्जिन लोग ज़्यादातर लगाते हैं बट ये इसको बहुत ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि आप आपका सारा जो फ़ंड फ्यूचर में होता है वो उस वक्त लगा हुआ होता है तो अगर आप लिक्विडेट हुए तो आपका सारा फ़ंड चले जाएगा तो इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ मैंने दो एग्ज़ाम्पल अटैच किए मैं आपको समझाता हूँ देखें ये एक एग्ज़ाम्पल है इथीरियम और यू की एक पेयर है इसकी ट्रेड लगी हुई फ्यूचर में देखें फ्यूचर में इस तरह दिखती है बाइनेंस पे अब यहाँ पे गौर करें <coughs> ये है हमारी आइसोलेटेड ट्रेड जो मैं आपको कह रहा था आइसोलेटेड में इस जो परसेंट इसने लगाए हैं अपने उन्नीस डॉलर देखें ना इसने लगाए हैं उन्नीस डॉलर मतलब अगर ये लिक्विडेट होगा देखें ये है इसकी लिक्विडेशन प्राइस टू पॉइंट वन फोर नाइन ये टू पॉइंट वन फोर नाइन लिखी हुई है तो अगर ये बंदा लिक्विडेट होता है अगर प्राइस यहाँ देखें यहाँ समझाता हूँ ये देखें इंट्री प्राइस लिखी है एंट्री प्राइस मतलब ये यहाँ पे इस इस ट्रेड में इस पॉइंट पे इंटर हुआ है मार्क प्राइस जो भी प्राइस चल रही है मीनस देखें टू पॉइंट वन फाइव पे इंटर हुआ इसने ली बी मतलब यहाँ लिखा हुआ लॉन्ग पोजीशन इसने ली है यहाँ पे इसका मकसद कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट में होगा थ्री टू पॉइंट थ्री टू पर है इस वक्त मार्केट की प्राइस तो ये प्रॉफिट में चल रहा है अब यहाँ पे इसने उन्नीस डॉलर लगाए थे और यहाँ इसने लेवरेज लिया है मतलब बाइनन्स से उन्नीस सौ समझ ला उन्नीस सौ डॉलर इसने और लिंग कितना उन्नीस सौ डॉलॉलर इसने यहाँ पे और लिए तकरीबन उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ से भी ज़्यादा मतलब नाइनटीन को मल्टीप्लाई बाय कर दें हंड्रेड से समझ रहे हैं आप नाइनटीन को आप अगर मल्टीप्लाई करें हंड्रेड से तो ये लिखा हुआ टोटल साइब देखें यहाँ इसने कितने लिए हैं टू पॉइंट वन फोर फाइव यू एजटी लिए हैं पूरा मार्जन है तो यहाँ इसकी लिक्विडेशन देखें आप कितने करीब है टू पॉइंट वन फोर है अगर ये यहाँ पे मार्केट एक परसेंट भी थोड़ा सा गिरती है तो इसके पूरे बीस डॉलर चले जाएंगे बट अभी ये प्रॉफिट में तो अभी यहाँ देख सकते हैं पी एन एल लिखा हुआ है इसने वन फाइव मतलब कितने एक सौ चौवन डॉलर कमाए हैं सिर्फ उन्नीस डॉलर लगा के ये फ़ायदा होता है लेवरेज और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो के, कि स्पॉट में नहीं होता है इसमें आप फीस भी पे करते हैं इसकी थोड़ी सी फीस लेता है बाइनस यहाँ रिक्स देखें सिक्स सिक्स परसेंट रिक्स है रिटर्न कितना हो रहा है उसको प्रॉफिट देखें कितना परसेंट में प्रॉफिट देखें हम कितना प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ टीपी लगा होता है अब आते हैं हम अगली वाली एग्जाम्पल ये है क्रॉस क्रॉस में गौर करें हम क्रॉस में क्या किया इसके पास टोटल इसके वॉलेट में थे चार सौ अट्ठारह डॉलर्स इसने क्या किया ट्वेंटी एक्स का यहाँ पर लिए लेवरेज अब फोर को अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी से तो, तो ये बनेगा तकरीबन ये वाला साइज़ बनेगा डॉलर्स का आठ हज़ार इसने आठ हज़ार डॉर लगाएं इस्ट्रेट पर और ये तीन सौ बीस डॉलर कमा चुके हैं हम यहाँ देखेंट्री प्राइस फोर पॉइंट ज़ीरो फाइव थी और फोर पॉइंट टू वन पर अभी मार्केट चल रही है इसकी लिक्विडेशन जो है कितनी दूर है यहाँ ये कोई फोर पॉइंट भी नहीं है इसकी लिक्विडेशन थ्री पॉइंट नाइन जीरो बहुत दूर है क्यों क्योंकि इसने क्रॉस ली थी और इसके पास ज़्यादा एसेट था तो वो मल्टीप्लाई करें अगर हम वो मैं मल्टीप्लाई करके होता है तो यहाँ इसकी लिक्विडेशन बहुत दूर है तो मगर अगर ये लिक्विडेट होता है यहाँ थ्री पॉइंट नाइन ज़ीरो पर मार्केट आती है तो इसके पूरे जितने भी फंड में हैं इसके चार सौ अट्ठारह ही पूरे ख़त्म हो जाएंगे वो चार सौ अट्ठारह भी और जो इसके जितने फ्यूचर में पड़े हुए पैसे वॉलेट में वो ख़त्म हो जाएंगे अभी हम चलते हैं इसको देखते हैं वहाँ पे मार्केट में किस तरह होता है और इससे पहले मैं बता दूँ लेवरेज क्या होता है वही लेवरेज क्या है रेफर्स टू यूजिंग अ बोर कैपिटल टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी ऑन अदर फाइनेंशियल एसिड इट इम्प्लीफाइज यूर बाइंग और सेलिंग पावर सो यू कैन हैव ट्रेड विद अ मोर कैपिटल दैन वॉट यू करेंटली हैव इन योर वालेट डिपेंडिंग ऑन द क्रिप्टो एक्सचेंजे यू ट्रेड एंड यू विल बो अप टू हंड्रेड टाइम्स योर अमाउंट बैलेंस वही बात है क्या होता है आपको आप एक फाइनेंशियल एसेट जो है आप उधार लेते हैं और आप ट्रेड करते हैं अपने कैपिटल के साथ मतलब आप अपने कैपिटल से ज़्यादा अगर आपका कैपिटल है ट्वेंटी डॉलर तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय अगर हंड्रेड लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा टू थाउजेंड हो जाएगा तो हंड्रेड टाइम्स भी आप ले सकते हैं बट इसमें जितना आप ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतना पर्सन आपकी लिक्विडेशन रिस्क बहुत करीब होगी तो ये है लेवरेज ट्रेडिंग अब हम चलते हैं एक्सचेंज पर और देखते हैं किस तरह होती है फाइनेंस पे और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था तो ये आ गया यहाँ पे लिखा यू एस डी फ्यूचर इस पर हमने क्लिक किया देखें ये फ्यूचर ट्रेड खुल गई हमारी हमारे यहाँ पे यहाँ पे अगर देखें हम तो बहुत सारे कॉइन्स हैं और इनकी जो है हमारे पास समझ लें पेयर्स हैं ये वाला जो मैं आपको यहाँ देखें क्लिक कर रहा हूँ क्या लिखा हुआ है बी टी सी यू एस टी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कॉइन हैं जो हमें दिए जा रहे हैं फ्यूचर में जिनके साथ हम जिन पे हम लेवरेज लगा मीन हम लेवरेज लगा के कर सकते हैं अच्छा बहुत से ऐसे पेयर्स होते हैं कॉइन जो हमें फ्यूचर में नहीं मिलेंगे स्पॉट पे मिलेंगे कि इन पे अलाउ नहीं किया जाता है कि भाई आप जो हैं आप फ्यूचर करें जो अवेलेबल हैं वो देखें ये सारे हैं बहुत सारे कॉइन होते हैं आपको एनालिसिस करना है जो मैं आपको सिखाऊँगा आगे और फिर आपको ट्रेड लेनी है कोई सा भी कॉइन हो देखें पहले लिखा भाई BTC, BNP, Binance बी एन पी बाइनस जो टॉप के कोइन्स होते हैं जिनकी जो स्टेबल रहते हैं ज़्यादा गिरते नहीं हैं वो वाले कॉइन हैं बाकी नीचे हैं तो ये ए आई बेस टोकनस हैं ए आई बेस हैं सारे एफ ई टी और ए जी आई एक्स वाले ये डी फाई के हैं तो यहाँ आपने देख लिया इंटरफेस ऐसे खुलेगा आपके पास यहाँ मेरा दूसरा अकाउंट है ये और यहाँ गौर करें तो ये चार्ट है ये एक ये ट्रेडिंग व्यू कितना एनालिसिस कर सकते हैं इधर जो मैं आपको बता रहा था देखें ये लगे हुए लिमिट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर की बात बताई थी ना लिमिट ये देखें ये यह यह यहाँ पे जैसे इस इसको ग़ौर करें इस वाले को तो यहाँ जो चल रहे थे जैसे चौदह हज़ार यू एस डी टी लगाए हुए थे तीन हज़ार लगाए हुए और ये इस अमाउंट पे ये लगाए हुए कि इसकी ट्रेड खुल जाए शॉर्ट की और यहाँ लॉन्ग की मतलब यहाँ सेल हो जाए इसका जो इसने ऑर्डर लगाया यहाँ बाय हो जाए तो यहाँ पे आपको बस ये दिखाना है कि यहाँ अगर ये यह देखें ये लिखा हुआ दे राइट साइड पे देखें लिखा हुआ है लेवरेज वन ट्वेंटी फाइव एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखें हमेशा लेवरेज कम यूज़ करें आप लोग जब न्यू हो बिल्कुल अगर आपको ट्रेड अगर किसी का सिग्नल फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको खुद बता देगा कितना लेवरेज यूज़ करें अगर आप ख़ुद ट्रेड कर रहे हैं अपना एनालिसिस करके और आप बिल्कुल न्यू भी हैं आपको नहीं लग रहा कि मैं मार्केट नीचे आ सकती तो आप यहाँ मैक्सिमम जो है आप टेन लेवरेज टेन एक्स का लेवरेज ले सकते हैं टेन एक्स से ये होगा कि मार्केट अगर मीन्स आपने अगर दस डॉलर तो आपके सौ डॉलर की ट्रेड लगेगी और अगर मार्केट इसमें ये होता है कि नाइनटी जब बाइलेंस जो है ना आपके जो अपने जो टेन एक्स का दे रहा है आपको कॉइन तो अगर मार्केट गिरती है नाइन्टी परसेंट अगर मार्केट गिरती है तो आप वो अपना टेन एक्स लेके मतलब अपना जो एसेट है वो लेके निकल जाएगा मार्केट से और आप लिक्विडेट हो जाएंगे मीनस के इसमें कोई बाइनेंस को नुकसान नहीं है अगर मार्केट गिरती है तो जैसे ही मार्केट गिरेगी तो बाइनेंस ने एक जो लिक्विडेशन दी हुई है वहाँ वो अपना एसेट बचा लेगा और आपका एसेट सारा चला जाएगा तो ये होता है इसमें लेवरेज में आप जितना ज़्यादा आप लगाएंगे अगर आप हंड्रेड एक्स लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप नुकसान में जाएँ तो बाइनेंस भी नुकसान में जा रहा है नाइन्टी नाइन में वो अपना पूरा का पूरा जितना भी उसने एसिड दिया था वो वापसी लेके निकल जाएगा और आपके जितने भी होंगे वो सारे लिक्विडेट हो जाएंगे आप तो यहाँ देखें लिखा हुआ है मैक्सिमम पोजीशन एट करंट लेवरेज जो है आपके पास ये आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप मैक्सिमम जो लेवरेज के साथ यू एस डी टी कितने ले सकते पोजिशन के तो ये बहुत ज़्यादा है जैसे मैं कहूँ कि मैंने दो हज़ार मेरे पास यू एस डी टी है और मैं उस पर ले लेता हूँ हंड्रेड एक्स की तो मेरे पास ट्वेंटी लैक्स बन गए तो ये उस तरह की एक पोजिशन की लिमिट दी हुई है प्लीज़ नोट डेट द लेवरेज ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन है अब यहाँ पर हर कोई कर सकता है अगर यहाँ देखें लेवरेज ना मुख्तलिफ दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ उसके लिए जैसे बी टी सी आपको वन ट्वेंटी फाइव एक्स का लेवरेज देता है तो वन ट्वेंटी फाइव एक्स का लेवरेज यूज़ कर सकते हैं बाइनस में अगर हम दूसरे पर जाते हैं कोई यहाँ से हम गए पेयर में और हमने यहाँ से ले लिया हमने ले लिया एक्स आर पी अभी देखें एक्स आर पी में क्या है हमारे पास ये लेवरेज सेवेंटी फाइव एक्स आप खाली है हमारे पास कि हर किसी ने लिमिट लगाई हुई है तो सिर्फ इथीरियम हंड्रेड एक्स देता है आपको बाइनेंस आपको वन ट्वेंटी फाइव एक्स बाकी छोटे कॉइन्स होते हैं वो ट्वेंटी एक्स और ट्वेंटी फाइव और एक्स आर पी आपको सेवेंटी फाइव तक देता है आपको क्या आप लेवरेज लगा सकते हैं सेवेंटी फाइव में क्या कह रहे हैं पाँच हज़ार यू एस डी टी की बस पोजिशन लगा सकते हैं आप उससे ज़्यादा की नहीं मीन आप दस हज़ार यू एस डी टी की पोजीशन नहीं लगा सकते लेवरेज के साथ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एक वो होंगी टर्म्स एंड कंडीशन अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था हम अपने डी की ये लिखा हुआ है लेवरेज की बराबर में आइसोलेटेड ये आर आइसोलेटेड देखें ये क्रॉस है क्रॉस में क्या लिखा हुआ है क्रॉस मार्जिन क्या है अंडर द सेम मार्जिन एसिड शेयर द सेम एसेट क्रॉस मार्जिन बैलेंस इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन योर एसेट फुल मार्जिन बैलेंस अलॉन्ग विध एनी रिमेनिंग ओपनिंग पोजिशन अंडर द एसेट मतलब यही कि क्रॉस मार्जिन अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखें एडजस्ट मार्जिन मोड अब यहाँ आप अगर कोई जितना भी फ़ंड हो आपके पास वो तो सारा लिक्विडेट होगा अगर आप मार्केट नीचे जाती है बट आपकी लिक्विडेशन दूर हो जाएगी सिर्फ सिंपली सा मतलब ये है इसका और कुछ भी नहीं है और आइसोलेटेड में खुद आइसोलेट मतलब कि आप एक मुख्त एक कर देते हैं आप रकम कि मैं जो हूँ मेरे अगर यहाँ फंड में मेरे पास पड़े हैं थर्टी डॉलर तो मैं सिर्फ टेन डॉलर लगाऊँगा तो वो आइसोलेटेड का मतलब ये होगा कि आपको टेंशन नहीं होगी अगर आप लिक्विडेट भी हुए स्टॉप लॉस भी हेट हुआ अगर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया आपने आप लिक्विडेशन प्राइस तो पहुँचे तो आपको सिर्फ टेन डॉलरस ही जो है वो आपके ख़त्म होंगे तो बेसिक सा फ़र्क है ये बाकी फ्यूचर में जब हम ट्रेड लगा लेते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था क्या होता है एंट्री प्राइस और वो बाकी मार्जिन रेशियो दिया होता है यहाँ पर नीचे कि आपने कितना मार्जिन बैलेंस लगाया है और उसका कितना मेड वो चल रही है और ये जो यहाँ लिखा होता है नीचे देखें बैलेंस एंड अन रियलाइज पी एन एल ये ये क्या होता है यहाँ जो आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं मीन्स आप ट्वेंटी डॉलर्स आपने कमा लिए तो ये अन रिलीज़ होगा उस वक्त जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे पोजीशन आपको रिलीज़ नहीं होगा ये पेन मतलब आप इसे देख सकते हैं तो इसलिए ये होता है कि आप जब प्रॉफिट आपको भाई जितना हो बन रहा हो आप लेते रहें अगर आपने नहीं लिया तो फिर आप लिख आपका कुछ पता नहीं है मार्केट अगर चले गए तो ये अन लिखते हैं इसको ना तो जब तक आप नहीं देखेंगे क्योंकि अब बंद रहा है अगर आपके पाँच सौ डॉलर बनकर अब देखे जा रहे हैं खाली पाँच सौ डॉलर बन रहे हैं आपने अगर उसको नहीं निकाला तो वो अन रिलीज़ हुए ना तो फॉर्म दोबारा पीछे चले जाएँगे दस डॉलर पर भी आ सकता अगर मार्केट गिर ये बैलेंस है बाकी जो है अगली वीडियो में अब हम शुरू करेंगे देखा करेंगे आगे या तो जब तक के लिए आप ही देखें थैंक यू